आज है चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन। इस विधि से करें देवी स्कंद माता की उपासना। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि है। आज के दिन देवी स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचमी तिथि के दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद कुमार भी है, इसलिए शास्त्रों में देवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि हर समय भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन देवी स्कंद माता की उपासना करने से निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी कामना पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं स्कंद माता देवी की पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को शुभारंभ 25 मार्च को दोपहर 2:53 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन दोपहर 3:02 पर होगा। इस दिन रवि योग दोपहर 12:31 से 27 मार्च को सुबह 6:16 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवी स्कंद माता की पूजा के समय साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और साफ वस्त्र पहने। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश की उपासना करें और फिर देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए स्कंद माता की प्रतिमा पर गंगा जल अर्पित करें। ऐसा करने के बाद देवी को गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि अर्पित करें और उन्हें केले का भोग अवश्य चढ़ाएं। देवी पुराण में बताया गया है कि स्कंद माता देवी की चार भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। उनके दाएं भुजाओं में स्कंद अर्थात कार्तिकेय है और कमल का पुष्प है। वहीं बाएं भुजा में वरद मुद्रा और एक कमल का पुष्प है। इनका आसन कमल है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है।